टेंथ क्लास में आ गए हो, ये क्लास ना बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, और अगर तुमने इसमें पढ़ाई नहीं करी तो शायद तुम फेल भी हो जाओ। ये जितने भी लोग तुमसे कहते हैं ना, तुम उनकी बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि क्लास टेंथ तुम्हारी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, और चाहे तुमने आज तक कितना भी स्कोर करा हुआ है, 40%, 50%, 60%, 80%, 90%, बट इस क्लास के अंदर तुम अपनी लाइफ का सबसे अच्छा स्कोर करने वाले हो। बस याद रखना, इन 5 गलतियों को अवॉइड करना जो कि आज मैं बताने। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज बहुत खुश हूँ क्योंकि एक नया बैच आया है तुम सभी का, जो कि अभी अभी टेंथ के अंदर आए हो और 2024 में पेपर देने वाले हो, है ना। सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज के टाइम पर ये नंबर थाउजेंड्स तक नहीं है, ये मिलियंस तक पहुँच चुका है। और अगर तुम किसी भी अपने सीनियर से बात करना जो कि अभी टेंथ से पास आउट होकर इलेवंथ में गए, उनसे पूछ लेना कि प्रशांत भैया ने कैसे उनकी मदद करी, वो तुम्हें बता देंगे कि प्रशांत भैया ने उनकी मदद कैसे करी है। तो पिछले साल इतने हजारों लाखों बच्चों की मदद करी, एंड इस साल भी यही ड्रीम है कि तुम सबकी मदद कर पाऊँ। एंड ये हमारे लिए सेशन की पहली वीडियो है, एंड पहली वीडियो ही उन 5 गलतियों के लिए है जो कि तुम्हें नहीं करनी है। अब देखो, अपने दो जिससे 3 साल के एक्सपीरियंस में ना मैं देख चुका हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को जो कि क्लास टेंथ के अंदर आकर ना कुछ गलतियाँ करते हैं, उन सारी गलतियों को आज लिख कर लाया हूँ, है ना। और चाहे तुम इन गलतियों के बारे में अपने सीनियर से भी पूछ लेना, उन्होंने भी ये गलतियां करी थी। तो इन गलतियों के बारे में अगर तुम्हें पहले से पता चल गया ना, तो तुम डायरेक्टली काम पे आ जाओगे और तुम डायरेक्टली 95 ले आओगे। चलो तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, और वीडियो पूरी देखना, चाहे स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लो। और देखो भाई, नोटबुक पेन ले आओ, है ना, ये पढ़ाई की वीडियो, खाना खाते टाइम नहीं देखते इसको। आजा भाई, नोटबुक पेन लेकर आजा, थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। और देखो, जितने भी हमारे ये 11वीं वाले छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, है पढ़ाई लिखाई करो, और अपने जूनियर्स के लिए कमेंट करो कि प्रशांत भैया ने तुम्हारी मदद कैसे करी। चलो, तो पहली मिस्टेक क्या है? पहली मिस्टेक है माइंडसेट। सुनते जाना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। देखो, तुम्हारे 9th क्लास के अंदर शायद स्कोर कम आया होगा, शायद हो सकता है 90 आया हो, 80 आया हो, 60 आया हो, 50 आया हो, है ना। तो अब तुम्हें यह लगता है कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, जो कि रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास एक टफ क्लास मानी जाती है, 9वीं और 11वीं, ये 2 क्लास होती है जो कि बहुत टफ होती है। तो तुम्हारा जो प्रीवियस स्कोर है ना, वो मैटर ही नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये दिल में लगाकर बैठ जाते हैं, भैया मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं। मैं पूछता हूं, क्यों हो तुम एवरेज स्टूडेंट? तो कहते हैं, भैया मेरी 9th में 60% आई थी। मैंने कहा, अरे मूर्ख, तेरी 9th की 60% आई या नहीं आई उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तेरी 10वीं में कितनी आएगी। तो जितने भी तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस है ना, उसको अपने इस दिमाग से निकाल दो, और खुद से ये बोलना है कि ये एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम जाने वाला है। पिछले साल भी ये टेक्निक यूज करवाई थी और सभी का पेपर अच्छा गया है। तो आज जितने भी ये 10th क्लास के अंदर अभी अभी तुम आए हो ना, तुम सभी को कमेंट करके जाना इस वीडियो के अंदर कि ये क्लास मेरी लाइफ की सबसे अच्छी क्लास होने वाली है, और इस एग्जाम के अंदर मैं बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूं या करने वाली हूं, इस बात को याद रखना। तो पॉइंट नंबर 1 है माइंडसेट। अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि भाई पढ़ना है, फोड़ना है, नंबर लाना है। 9वीं क्लास के अंदर कितना भी स्कोर आया हुआ फर्क नहीं पड़ता, 10th क्लास बहुत शानदार जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट था माइंडसेट। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। देखो भैया, दूसरा पॉइंट क्या है? फॉलो लेस टीचर्स। इसका मतलब क्या भैया? कम टीचर को फॉलो करें। देखो, मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। देख यार, मैं यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए खड़ा हूं, है ना, मैं यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें करने नहीं खड़ा हूं कि सुनो भाई मेरा बैच ले लो, मैं यहाँ पर 10 टीचर दे दूंगा, 15 टीचर दे दूंगा, मैं ये वाली बातें करने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं रियलिटी दिखाने के लिए खड़ा हूं, और रियलिटी थोड़ी सी कड़वी होती है, इस बात को तुम समझो। देखो, अगर तुम एक सब्जेक्ट 4 टीचर से पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा स्कोर कभी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक सब्जेक्ट के लिए या तो एक या फिर 2 टीचर, मैक्सिमम 2 टीचर, इससे ज्यादा टीचर अगर तुम फॉलो करोगे, 98 का जो तुम्हारा सपना है ना 10th के अंदर, वो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आधा चैप्टर तुम यहां से पढ़ते हो, आधा तुम यहां से पढ़ते हो, आधा तुम यहां से पढ़ते हो। अरे, एक टीचर के साथ कनेक्शन तो बनने दो। अगर तुम्हें स्कूल में पसंद आता है, स्कूल में पढ़ो। अगर तुम्हें ट्यूशन में पसंद आता है, ट्यूशन पढ़ो। अगर तुम्हें यहां मुझसे पढ़ने में पसंद आ रहा है, मुझसे पढ़ो। बट फॉलो एक या 2 टीचर को करो। 2 टीचर से ज्यादा टीचर को कोई फॉलो नहीं करेगा। अभी सुधर जाओ, समय हमारे पास अभी बहुत टाइम बचा हमारे 10th के बोर्ड के लिए, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? स्मार्ट स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्मार्ट स्टडी के ऊपर, बट कोई बताएगा नहीं तुम्हें स्मार्ट स्टडी होती क्या है। मैं बताता हूं, 3 पॉइंट में होती है स्मार्ट स्टडी। देखना, पहले क्या होता है, डोंट काउंट आवर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट काउंट आवर्स। इसको देखना, इसका क्या मतलब है। देखो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, भैया 10th में आ गया हूं फुल जोश के साथ, ये बता दो कितने घंटे पढ़ना है। मैं कहता हूं, अरे मूर्ख बच्चे, घंटे मत गिने, अपने आर्स को काउंट मत गिने। जितना तू पढ़ सकता है उतना पढ़। आप आर्स की लिमिट मत लगाओ, 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा, नहीं।
तुम एक टारगेट बनाओ कि आज मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है, और चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता। तो स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, सबसे पहले घंटे गिनना बंद कर दो। दूसरी चीज, एक प्रॉपर दिन का टाइम टेबल तुम्हारा होना चाहिए। टाइम टेबल पे एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको देख लेना अगर तुम्हें टाइम टेबल बनाना नहीं आता है तो। तीसरा पॉइंट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर कुछ ट्रिक्स होती है, केमिस्ट्री के अंदर कुछ ट्रिक्स होती है, बायोलॉजी के डायग्राम्स को याद करने की कुछ ट्रिक्स होती है। तो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो टेंशन मतलब मैं हूं यहाँ पर। हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और शुरू में ही सबके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी बना देंगे, जिसके अंदर आपको यह समझ आएगा साइंस कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़नी है, एसएसटी कैसे पढ़नी है, हिंदी कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, सबके लिए। ठीक है, वो मेरी गारंटी है, मैं ला दूंगा। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो। ये सारी चीजें हो गई, 3 मिस्टेक क्लियर हो गई। अगली चीज, चौथी मिस्टेक क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से मेरे कई स्टूडेंट्स के इस बार मार्क्स कम आ पा रहे हैं। देखो होता क्या है ना, हम चीजों को याद तो कर लेते हैं बट हमें लिखने का तरीका नहीं आता। और 10वीं का जो बोर्ड्स का एग्जाम है ना, वह मांगता है कि भाई लिख के दिखा। टीचर को तो लिख के दिखाओगे ना, तुम्हें चाहे कितना भी आता है बट अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, इस बात को तुम समझ लो। मतलब भैया क्या कह रहे हो, देखो सिंपल सा है कि इमेजिन करो, एक साइंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, तो तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तुम्हारे दिमाग के अंदर है। बट अगर पेपर के अंदर सवाल आया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और तुम्हें लिखना नहीं आता कि भाई एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो डिस्प्लेस कर देता है, तुम्हें अगर लिखना नहीं आता तो तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले। तो स्टार्टिंग से ही, अपनी क्लास 10th की स्टार्टिंग से ही ना, लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जब भी तुम्हें टाइम मिले पेपर पेन उठाओ और आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे केवल याद 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 करते रहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। याद रखना, स्पेशली साइंस के लिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए, स्पेशली एसएसटी के लिए, लिखना स्टार्ट कर दो अपने आंसर को। अगर नहीं लिखोगे लास्ट के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इस बात को याद रखना। चलो एक आखिरी गलती के बारे में बात करते हैं, सी रूल है, कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल मतलब, देख भाई या फिर बहन जो भी हो, एक सिंपल सी बात कहता हूं। देखो यार, आप दिन में चाहे कम पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि 12-12 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम चाहे कम पढ़ो बट डेली पढ़ो। क्या बोला मैंने, कम पढ़ो बट डेली पढ़ो। चाहे तू हर रोज एक छोटा सा टारगेट बना ले कि मुझे बस डेली एक चैप्टर पढ़ना है, बस मुझे डेली एक चैप्टर पढ़ना है, तू बस इतना सा टारगेट बना ले, बट अगर तू हर रोज पढ़ेगा, अगर तू कंसिस्टेंटली पढ़ेगा ना, तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तेरे स्कूल के अंदर तेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपने से, तेरे अखबार के अंदर तेरी तस्वीरें आने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज को याद रखना कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार होगा जब मामा की शादी, चाचा की शादी, चाचा के लड़के की शादी, बहुत सारी चीजें हो रही होती है, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें अवॉइड करनी पड़ेंगी इस साल। इस साल हमें थोड़ा पढ़ाई की तरफ देना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन, देना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखना कि कम पढ़ो बट कंसिस्टेंसी से पढ़ो, हर रोज पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया भैया, आज तो ना वो दोस्तों का फोन आ गया था भैया, आज तो ना वो मैं BGMI खेलने लग गया था, ये सब कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ठीक है, तो इन 5 गलतियों को अगर तुम अवॉइड करते हो तो भाई तुम्हारी 10th यहां से यहां आने वाली है। और एक पूरा जो रोड मैप है, सब्जेक्ट वाइज रोड मैप, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा, टेंशन मत लो। अभी तुम इन चीजों को फॉलो करो, आगे लेक्चर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा इसी चैनल के ऊपर। आई होप कि तुम्हें मदद मिली होगी। मदद मिली है तो देखो, मैं ये नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोला, बट अपने एक मित्र के साथ शेयर कर देना और उसको बता दो कि प्रशांत भैया ने नए बैच के लिए वीडियो डाल दिया। और एक आखिरी लाइन बोलूंगा जो कि पिछले साल भी बोल रहा था कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है, अपने रिलेटिव्स को प्रूव करके दिखाना है ना, तो उनके लिए एक छोटी सी लाइन है, याद रखना, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन। इस लाइन को याद रखना, पूरे साल भर कड़ी मेहनत करनी है, लग के मेहनत करनी है और 98% अचीव करनी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है।